हाय फ्रेंड्स, सलाम अलैकुम। आज मैं आप लोगों को सिंपल सी पैजामी की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी, जो कि अगर आप बना करके पहन लेंगी तो बार बार ऐसे ही बना करके पहनने को दिल चाहेगा, क्योंकि ये कहीं से भी आपको खिंचाव नहीं लेगा, ना कहीं से टाइट होगा। जो अक्सर प्रॉब्लम होती है पैजामी में कि नीचे का पार्ट जो है साइड वाला अंदर वाला वो खिंचाव लेता है, तो वो खिंचाव इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। तो वो आज सारी बातें आपको डिटेल से समझाऊँगी कि किस तरह से इसकी कटिंग करना है। तो उसके लिए ये हमने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है, ये हमारा रेयॉन कपड़ा है। ये काफ़ी ज़्यादा बड़े पन्ने का कपड़ा है, तो इस तरह से ये हमारा कपड़ा डबल फोल्ड में है। अब इसको हमें 4 फोल्ड में करना है। तो हमने कपड़े को 4 फोल्ड में करके इस तरह से रख लिया है। अब इसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई की हम नाप लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम पहले 2 इंच नेफे के लिए कपड़े को छोड़ देंगे, यानी कि 2 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ से हमें नेफे को फोल्ड करना होगा। तो देखिए, 2 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। अब यहाँ से हम आसन के लिए निशान लगाएंगे। तो हमने 14 इंच पे इस निशान को लगा लेना है, आसन का निशान। तो ये हमने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। अब यहाँ से ऊपर से लेकर के पहले हम अपने लेंथ की नाप लेंगे, जो कि हमें 37 इंच हमें तैयार करना है। तो 37 इंच पे पहले हम एक निशान लगा देंगे इस तरह से। इस निशान को पहले हम सीधा कर लेंगे। तो देखिए, हमने इस निशान को सीधा कर लिया है। अब 2 इंच नीचे एक और निशान लगाएंगे, जो कि हमें नीचे फोल्ड करना होगा। तो उसके लिए भी हम 2 इंच का निशान लगाएंगे और इस निशान को भी हम सीधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए, हमने नीचे और ऊपर दोनों निशान को लगा दिया है। ये हमारे आसन का निशान है और ये नीचे का ऊपर का। तो इस तरह से हमने ऊपर नीचे का और बीच का निशान सारा लगा दिया है। अब हमें यहाँ से मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाना होगा। तो मोहरी की चौड़ाई का निशान लगाने के लिए सबसे पहले हम सेंटर में निशान लगाएंगे 7 इंच, यानी कि हमारी टोटल चौड़ाई 14 इंच है। तो इसको बीचों बीच हमने निशान लगा दिया है। अब ये जो मोहरी की चौड़ाई का जो निशान लगाना है, इसको हम पहले बीचों बीच निशान लगाते थे, लेकिन हम पहले इधर इस साइड 4 इंच निकालेंगे और दूसरी साइड हम 2 इंच निकालेंगे, यानी कि 6 इंच हमें मोहरी तैयार करना है। तो हमने इस साइड 4 इंच रखा है, उस साइड 2 इंच रखा है, जिससे कि हमारे पैजामे में खिंचाव ना हो। यानी कि जो अंदर वाली साइड होती है वहाँ हमने 2 इंच रखा है, और जो साइड का जो जॉइंट होता है उधर हमने 4 इंच रखा है। तो उस हिसाब से निशान लगाइएगा तो आपकी पैजामी कभी भी खिंचाव नहीं लेगी। तो यहाँ के निशान को हमने पहले सीधा कर लिया है, क्योंकि हमें यहाँ से यहाँ तक जो निशान लगाना है, इसके लिए हमें वो निशान ज़रूरी सीधा करना था। तो अब इस निशान को एक दूसरे से हम मिला देंगे इस तरह से। अब उसी तरह से दूसरी साइड वाले निशान को भी हम एक दूसरे से मिला देंगे, यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से हमने पैजामी का पूरा निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इस निशान पर हमें कटिंग करनी है। थोड़ा सा हमें सिलाई के लिए मार्जिन रखते हुए इस पर हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हम कटिंग करेंगे और यहाँ तक, फिर इस साइड से हम दूसरी साइड हम घुमा लेंगे कटिंग के लिए, और यहाँ से हम सीधा कपड़े को निकाल देंगे। फिर यहाँ से जो हमें कपड़ा कट करना है साइड वाला, वो भी हम कट कर देंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे, और याद रहे कि दोनों साइड हमें सिलाई के लिए थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए हमें कटिंग करना है, या नहीं तो आप मार्जिन का कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर के निशान लगा ले, उस निशान पर कटिंग कर ले। तो इस तरह से हमने पैजामी की फुल कटिंग कर ली है। अगर आपको म्यानी नहीं लगानी है, तो यहाँ जो हमने आसन का निशान लगाया है, वहाँ आप 2 इंच अंदर इस तरह से निशान लगाएं और इस निशान को ऊपर तक सीधा कर लें इस तरह से, और फिर यहाँ हल्की सी गोलाई देना होगा। अब हमें इस निशान पर कटिंग करनी होगी, लेकिन हमें म्यानी के साथ पैजामी को बनाना है, जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो हम इसकी कटिंग नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से हम दोनों पार्ट को अलग अलग डिवाइड कर देंगे 2 भाग में। तो हमने इसको अलग अलग कर दिया है। अब इसके लिए हमें म्यानी की कटिंग करनी होगी। तो देखिए, हमने म्यानी को कटिंग करके इस तरह से रख दिया है, यानी कि हमारी कटिंग फुल कम्प्लीट हो चुकी है। अब सिलाई के लिए इसको हम अलग अलग पार्ट में इस तरह से खोल लेंगे। देखिए, हमने साइड से इसको अलग नहीं किया है, क्योंकि हमारा दोनों एक साइड का एक ही साथ ये दोनों पार्ट जुड़ा हुआ है इस तरह से, यानी कि एक पैर का पार्ट ये हुआ और दूसरे पैर का पार्ट वो वाला हुआ।
तो इस तरह से हमें सिलाई करने में आसानी होगी, इसलिए हमने अलग नहीं किया है। अगर आप चाहें तो अलग कर सकती हैं। और जिस तरह से पैजामी में आगे वाला पार्ट पतला होता है और पीछे वाला चौड़ा होता है, उस तरह से हमने इसकी कटिंग नहीं की है। सिंपल सा दोनों साइड का पार्ट हमने बराबर रखा है, क्योंकि ये पहनने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है। तो अब इसकी सिलाई हम यहाँ से लगाएंगे। ये जो साइड का पार्ट है, यहाँ से हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरे वाले में भी हम उसी तरह से सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और फिर उसके बाद हमें म्यानी ज्वाइंट करना होगा। लेकिन देखिए, हमने पहले इसकी सिलाई लगा ली है। अब इसके सिलाई लगाने के बाद हम म्यानी को ज्वाइंट किस तरह से करेंगे वो भी आपको बता दें। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारी दोनों म्यानी एक ही साइड लग जाती है। तो दोनों पार्ट को हमने इस तरह से रखा है, यानी कि एक साइड दोनों का एक तरह का पार्ट हमने रखा है। अब एक म्यानी को इस वाले पार्ट में हम ज्वाइंट करेंगे, यहाँ इस तरह से, और फिर दूसरे साइड की म्यानी को हम यहाँ ज्वाइंट करेंगे, यहाँ हम ज्वाइंट कर देंगे। दोनों पार्ट की म्यानी दो तरफ हमें ज्वाइंट करना होगा, नहीं तो अक्सर सिलाई के बाद हमें दोनों म्यानी एक ही साइड सिलाई की हुई मिलती है। तो इस तरह से हमने म्यानी को ज्वाइंट कर लिया है। अब दोनों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। फिर दूसरी साइड भी यहाँ से यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे। और नीचे की मोरी की जो सिलाई है, इसे भी हम एक इंच की चौड़ाई में हम फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से एक इंच की चौड़ाई में हमने इसको फोल्ड कर लिया, म्यानी को भी ज्वाइंट कर दिया है। अब इस तरह से हमारी पैजामी लगभग तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि हमें नीचे की सिलाई करनी होगी, तो यहाँ से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। इस तरह से घुमाते हुए यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे और मोरी की चौड़ाई हमें जितनी रखनी होगी उस हिसाब से हम इसको सिलाई लगाएंगे। फिर बाद में हम नेफे की सिलाई करेंगे यहाँ से, और पूरी गोलाई में हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से देखिए, हमने कंफर्टेबल सी पैंट पैजामी बना करके तैयार कर ली है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अगर आप इस पैजामी को एक बार बनाएंगी तो बार बार हर कपड़े पे आप पैजामी इसी तरह से बनाना चाहेंगी, क्योंकि ये कहीं से भी टाइट नहीं होगा, कहीं से भी खिंचाव नहीं लेगा। अक्सर पैजामी में शिकायत होती है कि नीचे हमारे अंडर की साइड की जो जॉइंट ये होता है ना, वो अक्सर खिंचाव लेता है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट भी हमारा खिंचाव लेता है। तो इस पैजामी में ये सब शिकायत नहीं होगी। ये पैजामी पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल फील होगी। यहाँ की चौड़ाई हमने ज़्यादा कट की है, इधर हमने थोड़ा कम कट किया है, यानी कि इधर हमने 4 इंच रखा है और दूसरी साइड हमने 2 इंच रखा है। उसी हिसाब से आपको कटिंग करनी होगी। इस तरह से बनाई हुई पैजामी आपको बहुत ही अच्छी फील होगी। और यहाँ हमने म्यानी इसलिए लगाई है कहीं, क्योंकि कमर के पास अक्सर जो म्यानी नहीं लगाई हुई पैजामी होती है वो हमारी टाइट हो जाती है इस तरह से, जबकि हमने म्यानी लगाई है तो ये यहाँ पे काफ़ी लूज़ भी रहेगी। और यहाँ की चौड़ाई हमने उतनी ही रखी है जितनी हमें ज़रूरत है, तो ये चौड़ाई भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। ये पैजामी हर साइज़ की लेडीज़ पहन सकती हैं, यानी कि मीडियम साइज़ की गर्ल जो होती हैं उनके लिए भी कम्फर्टेबल रहेगा, या फुल वोमेन जो होती हैं उनके लिए भी ये बहुत सही रहेगी पहनने में। इस पैजामी को आप बना करके पहन सकती हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितनी कंफर्टेबल और कितनी आरामदेह पैजामी है। तो उम्मीद है कि आज की मेरी पैजामी की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल भी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।